नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार शिक्षा अधिकारी और कर्मी की ये काम नहीं करने पर कटेगी सैलरी। बिहार में गर्मी ने लोगों को किया परेशान, पारा 44 डिग्री के पार। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान 11 बूथों पर वोट का बहिष्कार, 71 शिकायत दर्ज। बेगूसराय लोकसभा सीट के लिए 4 नामांकन रद्द। KKR और PBKS ने IPL 2024 में रचा इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षा अधिकारी और कर्मी की ये काम नहीं करने पर कटेगी सैलरी। बिहार में प्रखंडों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारी और कर्मी को उसी प्रखंड में अब अपना घर रखना होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है और इसमें कहा गया है कि पदाधिकारी और कर्मी जिस प्रखंड में पदस्थापित है उनके आवास का सत्यापन जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल औचक निरीक्षण में लापरवाही बरतने के कारण विभाग के द्वारा ये फैसला लिया गया है। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि ये अपने रोस्टर के मुताबिक विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। पटना अग्निकांड के बाद कई होटल और रेस्टोरेंट की हुई जांच। पटना अग्निकांड में 6 लोगों की जान चली जाने के बाद कई होटल और रेस्टोरेंट की जांच की गई है। जिला प्रशासन फायर सेफ्टी के लिए एक्टिव हो चुका है। पटना जिलाधिकारी ने टीम का गठन किया। इसके बाद पटना जंक्शन और डाक बंगला के पास के छोटे बड़े करीब 25 रेस्टोरेंट और होटल की जांच और निरीक्षण की गई है। इस टीम में अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विधि व्यवस्था अनुमंडल, अग्निशमन पदाधिकारी और PGRO मौजूद रहे। इस जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि अधिकतर संस्थानों में सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए हैं और इसके बाद सुरक्षा के इंतजाम करने का आदेश दिया गया है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स को दूसरी बार NAC से मिला ए ग्रेड। पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स को दूसरी बार NAC से ए ग्रेड मिला है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एवं साइंस ने अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। NAC के बदलते हुए मूल्यांकन स्वरूप में कॉलेज ने ए ग्रेड हासिल किया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया है कि NAC पीयर टीम के द्वारा कॉलेज की बेहतरी के लिए अनुशंसा की गई है, उसका पालन करके कॉलेज को और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सफलता के बाद कॉलेज के शिक्षकों से लेकर विद्यार्थी सभी में खुशी है। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान 11 बूथों पर वोट का बहिष्कार, 71 शिकायत दर्ज। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान 11 बूथों पर वोट का बहिष्कार हुआ। यहां मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया और इसमें किशनगंज के अमौर विधानसभा क्षेत्र का बूथ, भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का बूथ, बांका का सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का बूथ शामिल है। जबकि मतदान के दौरान 71 शिकायतें दर्ज की गई। सभी शिकायतों का समय पर निपटारा कर लिया गया। इन क्षेत्रों में 98,91,000 रुपए जब्त किया गया। 72,747 लीटर शराब बरामद हुआ। इसकी मूल्य करीब 2.62 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान 9,322 बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। बिहार में गर्मी ने लोगों को किया परेशान, पारा 44 डिग्री के पार। बिहार में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। 21 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि पटना में पारा 44 डिग्री के पार जा सकता है। बीते दिन शुक्रवार को शेखपुरा का पारा 43 डिग्री सेल्सियस रहा। शेखपुरा सबसे गर्म जिला रहा बिहार में। आपको बता दें कि बक्सर, रोहतास, कैमूर समेत 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण और मध्य जिलों के कुछ भागों में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया और सुपौल जिले में उष्ण लहर चलने की संभावना जताई गई। वहीं अन्य भागों में लू को लेकर अलर्ट किया गया। इसके अलावा पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के एक दो स्थानों पर बारिश की आशंका है, लेकिन इससे उमस की स्थिति बढ़ेगी और तापमान 40 डिग्री होने का अनुमान है। आपके जिले का तापमान क्या है, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पटना और भागलपुर से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। गर्मी और भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। रेलवे द्वारा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। सिकंदराबाद दानापुर समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। इसके अलावा यशवंतपुर गया समर स्पेशल ट्रेन का नागपुर के रास्ते परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि हुबली मुजफ्फरपुर समर स्पेशल ट्रेन को प्रयागराज शिवकी जबलपुर पुणे के रास्ते चलाने का फैसला लिया गया है। हरिद्वार भागलपुर समर स्पेशल ट्रेन
वाराणसी अयोध्या धाम के रास्ते चलाई जाएगी सीएसएमटी मुंबई दानापुर समर स्पेशल ट्रेन वाराणसी अयोध्या धाम के रास्ते चलेगी। के पाठक ने सैकड़ों कर्मियों के वेतन में कटौती का दिया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने पटना जिले के 230 विद्यालय निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारी के 7 दिनों के वेतन में कटौती का आदेश दिया है। आदेश में ये कहा गया है कि निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारी को प्रतिदिन 10 स्कूल का निरीक्षण करना है और उसके साथ ही इसकी रिपोर्ट हर दिन गूगल शीट पर प्रविष्ट करनी है। इसमें ये बात की जानकारी निकलकर सामने आएगी कि विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भविष्य में निरीक्षण नहीं करने पर पूरे महीने के वेतन में कटौती की जाएगी। बेगूसराय लोकसभा सीट के लिए 4 नामांकन रद्द। बेगूसराय के लोकसभा सीट के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 4 नामांकन को रद्द कर दिया गया है। वहीं गिरिराज सिंह और अवधेश राय का पर्चा वैध है। 4 प्रत्याशियों के फॉर्म के पर्चे में त्रुटि पाए जाने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन को रद्द कर दिया। मालूम हो कि बेगूसराय की लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान है। चौथे चरण के लिए 10 प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म सही पाया गया जबकि 4 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म को रद्द कर दिया गया। गिरिराज सिंह और अवधेश कुमार राय समेत कुल 10 लोगों का नामांकन सही पाया गया। आपको बता दें कि नाम वापसी की तारीख 29 अप्रैल है। अमित लोढ़ा के खिलाफ एसवीयू ने की जांच। बिहार कैडर के आईपीएस और खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज के असली हीरो आईजी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने अमित लोढ़ा के मामले में जांच पूरी की है। गोपनीय रिपोर्ट को अभियोजन की स्वीकृति भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार गृह विभाग की ओर से इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। एसवीयू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की और उसके बाद बताया जाता है कि इसके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। वहीं इससे पहले अमित लोढ़ा की तरफ से ये कहा गया था कि एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच नहीं हुई है और उसके बाद एसवीयू ने 6 महीने तक का समय मांगा था। विधानसभा के सभापति की संपत्ति का जाने ब्योरा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होगा। इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी विधानसभा के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने 4 सेट में नामांकन का आवेदन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है। उसके बाद उनके नामांकन पत्र से उनके संपत्ति की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अनुसार विधानसभा के सभापति करोड़ों के संपत्ति के मालिक है। इनके बैंक खातों में लाखों रुपए जमा है। इन्होंने SBI और LIC में करोड़ों रुपए की पॉलिसी ली है। वहीं इनकी पत्नी के पास LIC में लाखों की पॉलिसी है। इनके पास 44 लाख रुपए नगद और इनकी पत्नी के पास 25,000 रुपए नगद है। पटना में प्रत्येक ठेले पर दुकानदार का नाम और लाइसेंस की देनी होगी जानकारी। राजधानी पटना में अब फुटपाथ पर प्रत्येक सब्जी फल कपड़ा मछली या अन्य सामान के ठेले दुकानदार को अपना नाम और लाइसेंस की जानकारी देनी होगी। ठेले पर लाइसेंस का नंबर आदि लिखना होगा। ठेले के पास हर दुकानदार को एक कचरे का डिब्बा भी रखना होगा। इसका मकसद गंदगी नहीं करना होगा। वहीं हर एक महीने में मार्केट कमेटी की बैठक की जाएगी। इसमें यह तय होगा कि जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो इससे संबंधित बातों पर चर्चा होगी। फुटपाथी दुकानदारों को शहर को साफ रखने से संबंधित जानकारी दी गई है। ठेले के दुकानदार आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखेंगे। लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से किए सवाल। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए हैं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और प्रधानमंत्री से पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है। मोदी सरकार दलित पिछड़ों वंचित और गरीबों का आरक्षण नौकरी लोकतंत्र और संविधान को क्यों समाप्त करना चाहती है इसका जवाब दे। आपको बता दें कि वही प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा था कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री दूसरे चरण की वोटिंग के खत्म हो जाने के बाद इन इलाकों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री आगे होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव का 2 चरण खत्म हो चुका है। बिहार में 40 में से 9 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी जारी है। प्रशांत किशोर ने जातिवाद पर कसा तंज।
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जातिवाद पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर बिहार में नरेंद्र मोदी जी को वोट पड़ा है तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार में वोट जातिवाद पर पड़ता है। कोई बताए कि मधेपुरा और बिहार में मोदी जी के जाति के कितने लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि हर आदमी जाति के नाम पर ही वोट देता है तो नरेंद्र मोदी जी को बिहार में वोट कौन दे रहा है। अगर यहाँ पर 18% तो वोट मुसलमानों का है तो AIMIM के पार्टी को वोट ना देकर लालू प्रसाद यादव को वोट क्यों दिया जाता है। शांत किशोर ने आगे कहा है कि अपना बिहार के लोगों को बाहर में नीचा दिखाने के लिए आपके और हमारे दिमाग में जातिवाद का जहर घोल दिया गया है। बिहार इसलिए पिछड़ा है, यहाँ पर जाति बहुत है। KKR और PBKS ने IPL 2024 में रचा इतिहास। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के द्वारा खेला गया IPL 2024 का 42वां मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। दोनों टीमों के शॉट की वजह से रिकॉर्ड बन सका है। इस मुकाबले में पुरुषों के T20 मैच में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बन गया है। कोलकाता और पंजाब के बीच हुए इस मुकाबले में कुल 42 छक्के जड़े गए। पंजाब की टीम ने KKR के खिलाफ IPL के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया है। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 और पंजाब किंग्स ने 24 छक्के जड़े हैं। पंजाब की टीम ने 6 गेंदें शेष रहते हुए कोलकाता की टीम को इस मैच में हरा दिया। पंजाब की टीम ने IPL का सबसे बड़ा टारगेट को चेज किया। 18.4 ओवर में ही T20 के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अहिल्या सिंह, रणवीर कुमार, जितेंद्र सिंह, सदुल्ला पालवी, शशि कुमार, राजीव गांधी, राजेश मांझी, शालू कुमारी, प्रेम कुमार, संघर्ष कुमार, भूषण, शशि कुमार, रमन कुमार, नौशाद राजा, राम बाबू यादव, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, काम में लापरवाही बरतने पर वेतन काटने पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।